ओके नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम की जब हम बात करते हैं तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है ग्लैंडुलर, दैट इज यहाँ ग्लैंड वर्ड। ग्लैंडुलर में आपका क्या आ गया, ग्लैंड आ गया। और आप सभी जानते थे, हमने इससे पहले देखा था आपके दो तरह की ग्लैंड्स बताई थी, एक आपकी एंडोक्राइन दैट वाज डक्टलेस और एक थी आपकी एक्सोक्राइन दैट वाज डक्टेड। तो यहाँ पे उनके बारे में अगेन हम डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा आपके जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते थे वो दो और टाइप के होते थे, दैट इज एक तो होते थे यूनिसेलुलर, एक होते थे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो होते थे जिनमें आपका आ जाते थे गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स सिंगल्स यूनिसेलुलर होती हैं जिनमें म्यूकस बनता है आपकी बॉडी के अंदर। और आपके जो मल्टी सेलुलर होते थे उसमें आपकी आ जाती थी सलाइवरी ग्लैंड्स। सो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दीज नेम्स। यहाँ पे सबसे पहले हम आपका ग्लैंडुलर का मतलब क्या हो गया, ग्लैंड्स है यहाँ पे दैट कंटेन ग्लैंड्स। आपके ग्लैंडुलर में पहला पॉइंट होता है दैट इज इनके टाइप्स। सबसे पहले इनके टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स है इनके सेल्स के नंबर्स पर, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। तो राइट डाउन इसमें लिखो, सबसे पहले तो आपका टाइप्स जो होते थे, सबसे पहले दो टाइप, एक होते हैं दैट इज ये है इनके नंबर्स के बेस पे और इनके सिक्रेशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन, सिक्रेशन के बेस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। एक तो हो गए आपके दैट इज सबसे पहले यूनिसेलुलर और एक आपकी होगी मल्टी सेलुलर दैट इज यूनिसेलुलर। नाम से समझ में आ रहा है आपके सिंगल सेल्स के बने होंगे। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाते हैं, दैट इज यहाँ पे आपकी सीधी सीधे हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, गॉबलेट सेल्स ये आपकी यूनिसेलुलर होती है और गॉबलेट सेल्स सीक्रेट क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, यू कैन से यहाँ पे, या फिर म्यूकस की फॉर्मेशन करती है यहाँ पे, दैट फॉर्म म्यूकस, तो इनसे म्यूकस रिलीज होता है। ओके यूनिसेलुलर होती है आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बनी होती है दैट इज। दूसरा आपका मल्टी सेलुलर, इसमें आपका एग्जाम्पल आ गया सलाइवरी ग्लैंड्स, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड से आप सभी जानते थे आपका क्या प्रेजेंट, क्या सीक्रेट होता था, दैट फॉर्म सलाइवा, यहां से आपका सलाइवा सीक्रेट होता था। और सलाइवा के अंदर आपका एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है बच्चों, सलाइवा के अंदर आपका जो एंजाइम होता था दैट कंटेन एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है बेटा, कौन बताएगा मुझे, विल टेल मी अबाउट द फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। हाँ हाँ ठीक है अविनाश। शिल्पा ऑब्वियसली सलाइवरी एमाइलेज आपके डाइजेशन में यूज हो रहा है तो फूड का ब्रेकडाउन तो करेगा ही करेगा। आप कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम की जब बात करोगे तो वो फूड का ब्रेकडाउन कर रहा है, कॉमन सेंस है। ओके तो कौन से चीज का ब्रेकडाउन कर रहा है और किस में कर रहा है, यानी सबस्ट्रेट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, उसका नाम बताओ यहाँ पे। ओके अविनाश यू आर ऑल्सो राइट, आपने आधी बात सही बोली है, आधी बात को आपने बताया नहीं, वो सही है लेकिन बताया नहीं। शुगर को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, दैट इज राइट, लेकिन कौन सी, विच वन, किसको कन्वर्ट करता था ये माल्टोज के अंदर। सलाइवरी एमाइलेज आपके जो फूड के अंदर स्टार्च होता है उस स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, दैट इज राइट। आपके कार्बोहाइड्रेट्स को कर रहा है लेकिन कौन से, दैट इज आपके स्टार्च को कन्वर्ट करता है आपके माल्टोज के अंदर। एंड देन माल्टोज जो होता था आपका, इसका फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज। ये आपका इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं माल्टेज, नाम में एज लगा दिया तो आप माल्टोज है, माल्टोज में एंड में आपने एज लगा दिया, एंजाइम बन गया। और ये क्या कन्वर्ट करते थे माल्टोज से, क्या बनाते थे आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दो आपका माल्टोज बन जाता। सो दैट्स हाउ यू गेट द ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है आपका, स्टार्च पहले कन्वर्ट हुआ माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एंड देन फिर माल्टेज ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज ग्लूकोज में। और सलाइवरी एमाइलेज का एक पुराना नाम और था दैट इज टाइलेन, जो आज की डेट में आपको देखने को नहीं मिलता बुक्स में, लेकिन पुरानी बुक्स में ये नाम आपको देखने को मिलता है। ये इसका एक्चुअल में रियल नाम था पहले के टाइम में,
लेकिन अब क्योंकि एंजाइम क्लासिफिकेशन में एंजाइम्स की नेमिंग का एक तरीका चेंज कर दिया गया कि आप एंड में एज लगा दो तो वो एंजाइम है, तो आप एज लगा देते हो तो आपका वो एंजाइम बन जाता है। तो अब ये रियल नाम्स का जो हो गया नया नाम जो है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। इट क्लियर नाउ? शिल्पा अविनाश पहले तुम दोनों बताओ, तुम दोनों क्लियर वाली बात? यस सर। ठीक है, ओके ओके ठीक है। अंकिता वर्षा तुम दोनों क्लियर वाली बात बच्चों? यस सर। ओके अंकिता ठीक है। नाउ प्रभजोत आराधना तुम लोगों क्लियर? यस सर। एंड रितिका इज इट क्लियर टू यू आल्सो नाउ? ठीक प्रभजोत, इस चीज को मार्क कर लेना, ठीक है, मार्क दिस वन। ये चीज यहाँ पे मैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, आप ह्यूमन डाइजेशन के बारे में जब पढ़ते हो वहां ये चीज पढ़ने को मिलती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ थोड़ा हम सलाइवा के बारे में बात कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी है, आप इसको मार्क कर लेना। तो ये आपके जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम थे, यहाँ हमने इनको दो टाइप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रेशन, कि भाई आपकी एक तो हो गई इसमें क्या यूनिसेलुलर सेल्स, और एक हो गई आपके मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आ गए आपके गॉबलेट जो सिंगल सेल्स के बने हुए, और मल्टीसेलुलर में सलाइवरी ग्लैंड्स ये क्लस्टर में ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। दे आर आपके जो चीक्स होते थे यहाँ पे अंदर की तरफ आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होती थी, तो लॉट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है, जो आपके ग्रुप्स में प्रेजेंट होती थी, तो दैट्स व्हाई दे आर मल्टीसेलुलर। इज इट क्लियर ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? और ये गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ओके, ये गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल। ओके, मैं इसका एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपके यहाँ पे गॉबलेट सेल्स दे दी, दैट इज ओके, कुछ और नहीं, आपकी जो क्यूबॉइडल या आपकी जो कॉलमनर सेल्स होती थी उन्हीं का ये मॉडिफिकेशन होती थी। आप देखो ये बाकी सारी की सारी आपकी क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स दे रखी है नीचे, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस इनमें देखो नीचे की तरफ प्रेजेंट है बेस, तो बेसल न्यूक्लियाई तो आप सभी जानते थे प्रेजेंट होता था इनमें, कहीं कहीं पे आपको बीच में सेंटर में देखने को मिल रहा है। तो क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों ही एपिथेलियल टिश्यूज क्या होती थी, आपको अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं कुछ सेल्स, और जो मॉडिफाइड कर लेती थी वो फिर अपने अंदर इस तरह की क्या करती थी, म्यूकस की फॉर्मेशन कर लेती थी। इनका ऊपर का पार्ट देखो ओपन है, दिस इज अ ओपनिंग, ये ओपनिंग है यहाँ पे, यहां से इनका म्यूकस जो है वो सीक्रेट होगा, यू कैन सी हियर दैट इज, सारी की सारी नहीं है, कुछ कुछ सेल्स आपकी क्या होती जाएंगी, दैट इज ओपन होती जाएंगी, उसकी लाइनिंग होती है प्योर एलिमेंट्री क्लाइम में, यस यस यस, हाँ अंकिता ठीक है। तो दैट इज आपके ये म्यूकस, यहाँ से ये जो ओपनिंग है यहाँ से क्या होगा, आपका म्यूकस रिलीज होना शुरू करता है, और आप सभी जानते हो म्यूकस आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी जो इंटरनल वॉल्स होती है उनको प्रोटेक्ट करता था फ्रॉम डिफरेंट एंजाइम्स, अलग एंजाइम्स के साथ ये प्रोटेक्ट करता है, साथ में प्रोटेक्शन और कैसे करता है, जो भी आपके पैथोजेंस या पार्टिकल्स आए हैं उनको ट्रैप कर लिया, ठीक है, सीलिया ने इनको ट्रैप कर लिया, एंड देन फिर म्यूकस जो ये गॉबलेट सेल्स होती थी इनके, इनसे जो म्यूकस रिलीज होता रहता था उसके थ्रू ये जो पैथोजेंस होते थे या जो भी पार्टिकल्स होते थे हार्मफुल्स उनके चारों तरफ कोटिंग कर लेते थे, एंड देन फिर उसको बॉडी से बाहर थ्रू माउथ या थ्रू नोज उनको निकाल देते थे। इज इट क्लियर नाउ? अब समझ में आया आपकी गॉबलेट सेल्स कैसी होती है सभी को, डायग्राम से क्लियर? यस सर। बाकी बच्चों क्लियर ना बात? यस सर। ठीक है, दैट इज, तो ये हो गई बच्चों आप लोगों की सबसे पहला पार्ट आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि भाई आपका यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, ठीक है, सीक्रेशन जो हो रहा है वो इनमें आपने देख लिया। अब इसका दूसरा पार्ट आ जाता है, राइट डाउन द नेक्स्ट सेकंड वन पार्ट, आपकी ग्लैंडुलर के ही हम बात कर रहे हैं, राइट डाउन दैट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ पोरिंग, ये भी हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, मोड ऑफ पोरिंग, पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स, थ्रू डक्ट्स,
ठीक है, आपके भाई डक्ट्स के थ्रू जो सिक्रेशन हो रहा है, पोरिंग का मतलब है दैट इज सिक्रेशन जो रिलीज हो रहा है डक्ट्स के थ्रू, वो कैसा है? तो भाई यहाँ पे दो तरह की आपकी डक्ट्स थी, एक थी आपकी दैट इज एंडोक्राइन और एक थी आपकी एक्सोक्राइन। तो दैट इज यहाँ पे वही दो टाइप्स हैं, अगेन एक आपकी एक्सोक्राइन एक आपकी एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मैंने आपको पहले ही समझाई थी कैसी थी, डक्टेड होती है, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट है, डक्ट का मतलब ट्यूब्स प्रेजेंट है। तो ट्यूब के थ्रू आपका जो भी हार्मोन एंजाइम जो भी है सिक्रेशन, वो अपना ओरिजिनेशन जो है वहां से रिलीज होगा और जहां पर उसका साइट ऑफ एक्शन है, जहां पर भी वो काम करता है, उस जगह पे जाएगा और देन वहां फंक्शन करेगा, दैट इज ठीक है। ट्यूब के थ्रू यहाँ सिक्रेशन हो रहा है। और दूसरा मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन, जहां पे कोई ट्यूब नहीं होती थी, यानी जो भी आपका सिक्रेशन होगा वो ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू फिर वो अपने रेस्पेक्टिव जगह पे पहुंचाया जाता है, दैट इज डक्टलेस। याद है ना ये वाली बात सभी को? याद है? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ओके। तो आपके एक्सोक्राइन में यहाँ पे सीधे सीधे हम नाम लिख देते हैं कौन कौन सी आपके एक्सोक्राइन है या आपके क्या क्या सिक्रेशंस होते थे। तो राइट डाउन यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके सिक्रेशन में, एक्सोक्राइन में म्यूकस आपका सिक्रेशन जो होता था, इसके अलावा सलाइवा दैट इज सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू जो आपका रिलीज हो रहा है, देन इसके अलावा आपका ईयर वैक्स जो आपके ईयर के अंदर रहता है दैट इज, या ऑयल जो आपकी ऑयल ग्लैंड होती है स्पेशली आपके फेस पर आपके नोज के आसपास जो ऑयल ग्लैंड होती हैं उनके थ्रू ये सीक्रेट होता था, देन मिल्क ग्लैंड हो गई जो मिल्क का सिक्रेशन करती हैं, या फिर इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ठीक है, जैसे सलाइवरी एमाइलेज का नाम लिया, या इसके अलावा पेप्सिन हो गया जो स्टमक में आपका रिलीज हो रहा है, ट्रिप्सिन हो गया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है, माल्टेज है तो आपको वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सब आपके किससे सीक्रेट हो रहे हैं, और आपका टीयर आपके आंसू दैट इज, ये सब के सब जो सीक्रेट होते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं। म्यूकस आपकी गॉबलेट सेल्स के थ्रू हो रहा है तो उससे सिक्रेशन हुआ, ट्यूब आपने अभी ऊपर डायग्राम देखा था जस्ट गॉबलेट सेल्स का, यहाँ पे देख लो ये आपकी डक्टेड है, यहाँ पे ये ट्यूब जैसी यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, यू कैन सी ये कैविटी है, यहाँ पे इस कैविटी के अंदर आपका म्यूकस था जिस जो रिलीज हुआ और सीधा आपके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा, यहाँ पे कोई ब्लड से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब सीधी एक बात बोलूंगा 100 बात की एक बात, जहां पे ब्लड का इन्वॉल्वमेंट हो गया जो आपके हार्मोन्स का या एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो वो हो गई आपकी एंडोक्राइन दैट इज डक्टलेस, जहां ब्लड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे आपका जो भी सिक्रेशन है वो सीधा अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच रहा है बिना किसी ब्लड के हेल्प के, दैट इज डक्टेड। क्लियर वाली बात सभी को? अंकिता इज इट क्लियर टू यू? प्रभजोत तुम लोग क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपके सारे एक्सोक्राइन्स हो गए। अच्छा यहाँ पे आपके मैं टीयर के बारे में जरूर बताऊंगा, आपका टीयर प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ये आपका टीयर का जो सिक्रेशन होता है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा अलग से लिखना शॉर्ट नोट्स में, आपके जो स्टिक नोट्स हैं उनमें लिख लेना ये अलग से, आपका टीयर का जो सिक्रेशन होता था दैट इज सिक्रेटेड बाय लैक्रिमल डक्ट, दैट्स अ नेम ऑफ डक्ट, ठीक है, ये आपकी वो डक्ट है वो ग्लैंड है जिसके थ्रू आपका आईज आपके आईज के कॉर्नर में आंखों के जो कॉर्नर्स होते हैं बिल्कुल यहां से आपके आंसू निकलते हैं, तो यहाँ पे जो डक्ट होती है दैट इज योर लैक्रिमल डक्ट, उसी के थ्रू आपके ये आंसू जो हैं बाहर निकलते हैं। हाँ अविनाश क्या कह रहे हो? हाँ होते हैं लाइसोजाइम्स होते हैं दैट कंटेन लाइसोएंजाइम्स, तो ये आपके बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल्स को रप्चर कर देते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं। हाँ बच्चे हाँ राइट, दे कंटेन आपके जो टीयर्स होते थे ना इनमें आपके लाइसोजाइम्स होते हैं, और ये लाइसोजाइम्स क्या करते थे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, बैक्टीरिया सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देते हैं रप्चर कर देते हैं, और बैक्टीरिया को मारने का सबसे इजी तरीका है भाई, बैक्टीरिया के अंदर जो कुछ है वो उसकी सेल वॉल ही है, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म कर दिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ दी तो बैक्टीरिया खत्म, बैक्टीरिया का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई एंटीबायोटिक यूज करते हो ठीक है, या आप जैसे ये लाइसोएंजाइम्स है, इनका साइट ऑफ एक्शन क्या होता है, सीधा सीधा बैक्टीरिया की सेल वॉल पे अटैक करो, बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म कर दो, एक बार सेल वॉल खत्म
बैक्टीरिया खत्म। क्लियर बात अविनाश? यस सर। हाँ राइट अंकित, आप सब खूब रो, मेरी तरफ से खुली छूट है सबको, खूब रो, जितना रोगे आपके लिए अच्छा है, खूब रो बेटा, अगली बार चुप ही नहीं करो ना, कोई कराए भी तो मत हो चुप, खूब रो बेटा, आपके आंसू बहुत अच्छे हैं, इट विल हेल्प फॉर यू, क्या आपकी हेल्प ही कर रहे हैं आपके जितने भी जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो आपके आंखों के आसपास जब क्लैक हो जाते हैं तो अगर आंसू आते हैं तो वो सब माइक्रोब्स जो होते थे उनको किल कर देते थे, दैट इज गुड। तो इसको लिख लेना ठीक है, आपकी डक का नाम क्या हो गया, दैट इज आपकी लैक्रिमल डक जो कॉर्नर्स में प्रेजेंट होती थी, और जो पोर होता था जिससे आंसू बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं पंक्चर। यहाँ पे जैसे ये तो डक का नाम बता दिया जिसके थ्रू आंसू आ रहे थे, लेकिन जो जैसे ये डक है सपोज करो दैट्स द नेम ऑफ डक, इसका जो ये पोर है बेटा, इस पोर का नाम होता है पंक्चर, दैट पोर इज कॉल्ड पंक्चर, ओके। और ये जो डक्ट है दैट इज आपका लैक्रिमल डक्ट है, इज इट क्लियर बेटा सभी को? तो आंखों के जो पोर्स हैं बिल्कुल कॉर्नर वाले जहां से एकदम आंसू बाहर निकल रहे हैं उस छेद को आप पंक्चर बोलते हो, और जो डक्ट है उसके अंदर की पूरी पूरी दैट इज कॉल्ड लैक्रिमल डक्ट। आई बात समझ में बच्चों सभी को? यस सर। इसको मार्क कर लेना जो मैंने बताया, लैक्रिमल डक्ट और पंक्चर, पंक्चर दैट्स अ नेम ऑफ पोर, ओके। अब आ जाओ इसके बाद आपके एंडोक्राइन, यहाँ पे आपका ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है, डक्टलेट्स हैं तो सीधा सीधा आपके ब्लड में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होता है सीधा सीधा आपके जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं वो आपके ब्लड में जाते हैं ठीक है, एंड ब्लड के थ्रू फिर वो अपने इफेक्टिव पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि सपोज करो कि भाई मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा जो आपके ब्लड में जाएंगे, और ब्लड में जाने के बाद फिर ये आगे चल के क्या करेंगे, आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं दैट इज टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेंस, इनका सिक्रेशन करते हैं, इनका सिक्रेशन करवाते हैं डायरेक्टली, आपके टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजेंस जो हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन डायरेक्टली नहीं होता, पहले आपके हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होती है, हाइपोथैलेमस से आपके मैसेज यानी आपके हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, एंड फिर उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो है वो सीक्रेट होते थे। तो ये जो पूरा मैंने जो आपको अभी नाम बताया, जो भी आपको ये समझाया, यहाँ पे हार्मोन्स कहाँ आए, ब्लड में आए, ब्लड के थ्रू फिर ये रेस्पेक्टिव साइट्स तक पहुंचाए जाते हैं। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है, तो भाई ये तो कहीं और जाके भी फंक्शन कर सकते हैं, कहीं और जाके भी एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि हर एक हार्मोन की एक एक्टिव साइट होती है, यानी एक ऐसी साइट होती है जहां पर वो जाके एक्टिव होगा, और वो एक्टिव साइट उस रेस्पेक्टिव जगह पर ही प्रेजेंट होगी जहां उसका काम है, बाकी ऑर्गन्स पे वो चीज प्रेजेंट नहीं होगी। बात समझ में आई अविनाश, अंकिता, आराधना, शिल्पा, वर्षा, प्रभजोत, रितिका, सभी को ये वाली बात? यस सर। ठीक है, आपकी क्योंकि आप समझ रहे हो, आपकी पूरी ब्लड में आपको भाई हार्मोन्स बह रहे हैं, आपके आपका हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो आपके वेस्टेज को भी ट्रांसपोर्ट करा रहा है, वो आपके हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करा रहा है, हीमोग्लोबिन का इतना काम है। तो आपकी बॉडी में जब हार्मोन कहीं से सीक्रेट होगा और जहां पे उसकी जरूरत है, जहां वो काम करता है, तो उस जगह पे एक सेकंड तो उस जगह पे क्या होगा आपका, दैट इज आपकी जो रेस्पेक्टेड साइट होगी वहां पे आपके कुछ सिग्नल्स प्रेजेंट होंगे, वहां पे कुछ आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो उस पर्टिकुलर हार्मोन को अपने संग बाइंड करवाएंगे एंड देन फिर वो एक्टिवेट होंगे, ओके। गोनेट्स एंडोक्राइन का एग्जांपल हो गया, फिर क्या? नहीं, आपके ये गोनेट्स जो होते थे ये तो आपके डक्टेड होते हैं ना, आपके जो गोनेट्स होते हैं दैट इज डक्टेड होते हैं, दैट इज डक्टेड होते हैं, गोनेट्स का नाम हमेशा याद रखना डक्टेड में है, ठीक है। मैंने आपको जो नाम बताया शुरू में हाइपोथैलेमस से मैंने स्टार्टिंग करी थी, डोंट बी गेट कंफ्यूज इन दैट, हाइपोथैलेमस से जो आपका सिक्रीशन हुआ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है एक GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो आपके ब्लड के थ्रू आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक आया, पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुए जो ब्लड के थ्रू गए, तब ये टेस्टिस और ओवरी को एक्टिवेट करते हैं, तब आपका फिर ये डक्टेड ग्लैंड जो होती है टेस्टोस्टेरोन और आपके जो सेक्स हार्मोन होते हैं दूसरे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस उनको सीक्रेट करते हैं। तो ये आपकी डक्टेड हैं, जो आपके गोनेड्स हैं, दीज आर द डक्टेड ग्लैंड्स। क्लियर बात अंकिता, इज इट क्लियर? यस सर।
ओके तो बच्चे, इंसुलिन, हाँ इंसुलिन आपका जो होता था वो आपके ब्लड में काम करता है. ओके, इंसुलिन वर्क इन द ब्लड. तो इसका सीक्रेशन जो आपके पैंक्रियास से होता है, ये आपकी पैंक्रियास जो होती है बेटा, ये आपकी मिक्स ग्लैंड होती है, ये आपकी एंडो और एक्सो दोनों का काम करती है. इसको भी समझ लो, यहाँ समझ लो, ये चीज 10th क्लास में थी बट आप यहाँ देख लो. आपका पैंक्रियास जो होता था ये दोनों की तरह काम करता है बेटा. पैंक्रियास विल एक्ट इज अ मिक्स ग्लैंड, इसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं. ये एंडो और एक्सो दोनों की तरह काम करेगी. ठीक है, मिक्स ग्लैंड है. इसका एंडो वाला पार्ट क्या है, एंडोक्राइन जो इसका पार्ट होगा, वहां से तो इसका इंसुलिन सीक्रेट होगा. यहां से तो ये इंसुलिन को सीक्रेट करेगी जो सीधा ब्लड में जाएगा और ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा. आपके ब्लड में जाके ब्लड शुगर को कंट्रोल करना इसने स्टार्ट कर दिया इंसुलिन. तो ये तो हो गया इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट. एक्सोक्राइन वाला पार्ट इसका क्या हो गया, दैट इज आपके पैंक्रियाटिक जूस. यहां से ये पैंक्रियाटिक जूस आपके रिलीज करेगी. पैंक्रियाटिक जूस में आपका क्या आ गया, ट्रिप्सिन आ गया, ठीक है, आपका एमाइलेज आ गया, ओके, एंड लाइपेज आ गए, बहुत सारे एंजाइम्स आपके पैंक्रियाटिक जूस में आ गए. ये आपके सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फंक्शन करेंगे, फूड का डाइजेशन करेंगे. इज इट क्लियर अविनाश? यस सर. ओके, जो तुम बोल रहे हो ना, एक सेकेंड,